टाइम बाद में चंडीगढ़ में, आज हम बाहर निकले तो मतलब काइंड ऑफ प्लेस हमने शुरुआत करा कि चंडीगढ़ जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि शुरुआत कर लेते हैं किसी अपने जिनको अपन मानते हैं। तो हमारे बगल में ही अराउंड 3.4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है चंडीगढ़ से माता जयंती देवी का मंदिर है, और मेरे पीछे की साइड में ऐसा मंदिर है। इसके बारे में ऐसे कहावत थी कि एक टीला था मिट्टी का, वो टीला कोई बाढ़ ऐसे कुछ आई तो आधा कट गया और आधा रह गया, और जहाँ वो रह गया वहाँ पे माता का मंदिर था। तो उससे रिलेटेड ऐसे कुछ पुरानी कथाएं हमने सुनी है, चलो देखते हैं कभी हाइट पे। ये सब साथ में आज मेरी वाइफ टूटू, ये नरेश और जोयल, इज फ्रॉम मुंबई, इसने हमको मुंबई एक्सप्लोर कराया था, अब इसको हम चंडीगढ़ एक्सप्लोर करवा रहे हैं। क्या कैसा लग रहा पहाड़ों में? हाय क्यों देख के मेरे को गैंगटॉक की याद आ गई, उधर बहुत तो हाइट पे थे और सीढ़ियाँ थी भाई साहब, हमको कम से कम 4 या 5 बार बैठना पड़ा ड्यू टू द सफोकेशन। फिर भी यहाँ तो बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ, इतनी सी सीढ़ियों में थक दिए हाय। अगर किसी दिन वैष्णो देवी का बुलाव आ गया तो फिर क्या होगा? मॉस्को कलर वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ी गेड़ी शेड़ी मारेंगे और
जोएल एंजॉय हो रहा है। जोएल को मैं उस रोड पे चला रहा हूँ। सेक्टर 17 की खूबसूरती देखने जा रहे हैं। ये जानता नहीं उधर कौन सी खूबसूरती है। तू कहाँ से जाने का? नेचुरल ब्यूटी देखने जा रहा हूँ। बाकी नरेश का तो पता नहीं क्या देखने जा मिलते हैं सेक्टर 17 के अंदर। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि 17 सेक्टर में आपको गाड़ी भी पार्क करना है तो आपकी पार्किंग है। देखो हम कुछ नहीं भी ले, फिर भी चलने का भी 14 रुपए यार। अगर आप कुछ भी ना लो, बस आपको गेड़ी मार के आना, तो भी आपको यू हैव टू पे फॉर इट। अभी स्ट्रगल है कि यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भाई, बहुत हार्ड है इधर पार्किंग ढूंढना। पता नहीं आधे घंटे से तो घूम ही रहे हम लोग। पार्किंग मिल जाओ तब तो जाके उतरे भाई साहब। ये इससे अच्छा पैदल आया आदमी, घूमता रहे आराम से। नहीं था, नहीं नहीं है आगे, बहुत लंबा थोड़ा पार्किंग। लाइव परफॉर्मेंस चल रहा भाई, एज यूजुअल जब भी मैं इधर आता हूँ कुछ ना कुछ लाइव चलता रहता है। आई थिंक वीकेंड पे ऐसा कुछ होता होगा। दिस इज सेक्टर 17, यू कैन चिल हियर, यू कैन फाइंड एनीथिंग यू वांट टू शॉप। सो लेट्स रोल व्हाट वी कैन डू। बाल नोच नोच के इसने मेरे बालों का शेप बिगाड़ दिया। अब वो टकला है, मेरे बाल नोचता है। इसकी ना आंखों के ऊपर से है, आंखों के अंदर से है। अभी लाल हुई है। खाने को दो इसको भाई, व्यक्ति वालों को मेरे लड़के को जल्दी खाने को दो, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आएगा आएगा बेटा आएगा, जल्दी दो भाई खाना। फाइनली टुटू का खाना आ गया। टुटू 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 खाना आ गया, टुटू खाना आ गया। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये मैकडी का कॉम्बो में इतनी प्राइस क्यों देते हैं? खत्म ही नहीं होती है। आज से मैं ना कॉम्बो ऑर्डर नहीं करूँगा भाई। मुझे लग रहा है दिमाग के अंदर भी थोड़ी बहुत प्राइस घुस गई है। क्यों होते हुए प्राइस 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 प्राइस। मैकडी वालों थोड़ी प्राइस कम कर दो। तो फिर अपनी, मुझे लगता है अपनी पागल है जो कॉम्बो ऑर्डर करते हैं। उनको अपने को जो चाहिए पर्टिकुलर, बर्गर ऑर्डर करो, उनको फ्रेंच खिला के अपने को कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवानी है उनको। अच्छा वो अपने को थोड़ी ना कहते कि तुम कॉम्बो ऑर्डर करो, अपने को लालच आता है कि हाँ कॉम्बो ऑर्डर कर दे, कॉम्बो ऑर्डर कर दे। सस्ता पड़ने की लालच, सस्ते के चक्कर में ना हो, कॉम्बो ऑर्डर ना करो। इतनी फ्रेंच फ्राइज देते हैं ना, जैसे चार लोग बैठ गए ना, इतनी सारी फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज हो जाएंगी, तोबा उनको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। मुंबई गए थे जिस दिन भूख लगी थी, हाँ उस दिन आठ लोग बैठ गए, लोग क्या था जब भूख ज्यादा लगी थी ना, लेकिन ढेर लगा दिया फ्रेंच फ्राइज। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।